अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ मौजूद है मिडिल क्लास गर्ल और मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस जो के नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम एक मुल्क के दूसरे मुल्क से रिलेशंस स्टडी करते हैं, ख्वाह वो बिजनेस और ट्रेड की बिना पर हो या कल्चरली एक्सचेंज के नाम पे। सेकेंडली ये कि दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, जिसमें 195 कंट्रीज मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर। और इस यूएन ऑर्गेनाइजेशन का अव्वलीन मकसद यह है कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क से ताल्लुकात अच्छे। और यूएन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें तमाम जो उसके मेंबर्स हैं वो फॉलो करते हैं, और अगर किसी मुल्क को कोई मसला है या कोई इशू वो फेस कर रहा है तो वो यूएन के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकता है और उसके तमाम जो ममालिक है उसका मिलके कोई सलूशन निकाल सकते हैं, ताकि दो ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना पैदा हो। और अगर ओवरऑल यूएन के बाहर से दुनिया का कंपैरिजन किया जाए तो मॉर्गन थियो के मुताबिक जो बैनल इक्वामी सियासत है वो सिर्फ एक ताकत के हसूल की जंग है। अगर इस चीज़ को ऐसे बयान किया जाए कि दुनिया को तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो कभी भी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो ये नहीं चाहेंगे कि जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो तरक्की करें या कामयाब हो जाएं। तो ये एक हसूल की वो ताकत के हसूल की जंग है जो कि कंटिन्यूसली चल रही है। और मैं भी ये मॉर्गन मैथ्यू के हिसाब से इन फ्यूचर भी चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।